अगर एनसी पावर में आती है तो स्टेटहुड आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 350 ए जो है वो वापस लाया जाएगा। ये बयान जो है वो फारूक अब्दुल्ला का सामने आया अनंतनाग में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर एनसी पावर में आती है यानी सरकार बनती है तो हम जो है वो आर्टिकल 370 जो है वो वापस लाएंगे, आर्टिकल 350 आर्टिकल 35A जो है, और साथ ही साथ स्टेटहुड जो है वो वापस लाएंगे। कहीं ना कहीं दिन ब दिन आप ये सभी बयान जो है वो सुन रहे हैं जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया जा रहा है 370 के बारे में या फिर स्टेटहुड के बारे में। जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर उनका हक चाहिए, उनका सब कुछ चाहिए, तो उन्हें जो है वो हमें वोट करना होगा या उस पार्टी को वोट करना होगा, वो जो है वो 370 वापस लाएगी, वो जो है वो 350 ए वापस लाएगी, वो जो है स्टेटहुड वापस लाएगी। पर कहीं ना कहीं एक जगह जहां स्टेटहुड और 370 की बात चल रही है, वहीं अमित शाह ने जो है कह दिया है कि 370 कभी भी वापस जो है वो नहीं आ सकता है। 370 जो है वो एक पास था, जो अब पास जो है वो कभी वापस नहीं आता है। वही स्टेटहुड की बात करें तो अमित शाह ने ये कहा था कि स्टेटहुड जो है वो सही समय आने पर जो है वो रिस्टोर किया जाएगा, चाहे कुछ समय लग जाए, पर अमित शाह ने जो है वो पार्लियामेंट में वादा किया था। और आप सभी जानते हैं जो पार्लियामेंट में वादे किए जाते हैं वो पूरे जरूर होते हैं, और अमित शाह ने कहा है कि जब सही समय आएगा, बेशक समय लग जाए, पर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक देंगे, स्टेटहुड वापस देंगे, पर 370 जो है वो वापस नहीं आ सकता है। तो आप लोग 370 के बारे में ना कहे, ये सीधे सीधे जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तरफ से जो है वो बहलाने की बातें की जा रही है, अपनी तरफ लाने की बातें की जा रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, तो अपने मैनिफेस्टो में भी एनसी ने लिखा है कि 370 वापस ला कर रहेंगे। पर आप खुद देखिए कि 370 जो है वो सिर्फ सेंटर वापस ला सकती है, वो सिर्फ सेंटर का काम है। चाहे अगर हम बात करें दिल्ली से ऑर्डर है तो ही जो है वो 370 वापस आएगी, पर ऐसे जो है वो 370 स्टेटहुड कोई भी जो है वो वापस नहीं ला सकता है। ऐसे में बहुत से बयान दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। पिछली बार फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि 370 वापस लाया जाएगा, और उसके बाद उन्होंने कहा चाहे 100 साल भी लग जाए पर हम 370 वापस लाएंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि वापस लाएंगे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है 100 साल। जो लोग अभी वोट करेंगे वो 100 साल तक सिर्फ इंतजार करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखिए, एक तरफ से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है कि ये लोग 370 के नाम पर, स्टेटहुड के नाम पर जो है वो रिस्टोर नहीं होगा। वही अगर हम बात करें राहुल गांधी जी की, तो उन्होंने भी कहा है कि हम स्टेटहुड वापस लाएंगे जब इंडिया अलायंस पावर में आएगी, उसके 5 साल बाद हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। सामने पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी के कई नेताओं ने कहा। और वही एनसी के मैनिफेस्टो की बात की तो उसमें कल ही मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला ने, कि मैं अपने मैनिफेस्टो से काफी खुश हूं क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो काफी अच्छा है। तमाम बीजेपी के लीडर्स जो है वो मेरे मैनिफेस्टो का जिक्र हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी बात करें उसमें उनके मैनिफेस्टो का जिक्र जरूर है। फिलहाल वो तो आने वाला समय बताएगा कि कौन क्या करेगा, कौन जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में जगह बनाएगा, किसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम किया है। पर अभी फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान 370 वगैरह सब जो जितने भी चीज है, स्टेटहुड सिर्फ रिस्टोर हो सकता है जब अमित शाह ने कहा कि जब समय आएगा तब हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, पर अगर हम 370 की बात करें तो वो वापस नहीं आ सकता है। फिलहाल आप लोग अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।